और इनका हाथों में, इमेजिन द इनह्यूमैनिटी, दोनों हाथों में छेद कर दिया जाता था यहाँ पे. टू दैट वाज अ मार्किंग ऑफ अ स्लेव. अच्छा, लाइट हाउसेस आर देयर, 200 साल 250 साल 300 साल पुराने लाइट हाउसेस आर देयर, 20 फीट 30 फीट हाई, उनमें जो दियाए जला जाते थे वो भी अवेलेबल है. अच्छा, कोस्ट लाइन में. तो कुछ नहीं कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट्स. There is no work on that. Are you pushing people to Sanatan Dharma or are you trying to push them away from Sanatan Dharma? Hmm. Who has given you the authority to speak that it is a radioactive thing or it is a nuclear reactor which vibrates? Hmm. Have you seen it? Have you spoken to somebody? मतलब सोचने वाली बात है. इतने सारे हाथियों को मैंने बोला फीडर वेसल से मदर वेसल लोड किया जाता था, जो आज हमारे कई सारे पोर्ट्स में होते हैं. हाँ. Whichever port is not calling the mother vessels, उस टाइम भी यही होता था. अच्छा. चाहे वो नौका हो, चाहे वो छापा हो, चाहे वो पदुआ हो, इनमें कैरी करके मदर वेसल में ले जाते थे. तो फीडर वेसल्स वेर आल्सो कैपेबल ऑफ कैरिंग एलिफेंट्स. यस. अच्छा, इतना स्ट्रेंथ हुआ करता था. सूर्य रॉय जी, वेलकम बैक, आपका बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. Thank you for having me here. तो आज हम बात करने वाले ओडिशा के मैरिटाइम हिस्ट्री के बारे में, समुद्र इतिहास कलिंग का. प्लीज सर, प्लीज एनलाइटन अस. सो पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में जो शुरुआत किया था डिस्कशन, उसके थोड़ा सा कंटिन्यूड हम रखेंगे इसमें. जी. तो बेसिकली इसमें दो तीन चीजें मैं पहले बताना चाहूंगा जो हम पिछले एपिसोड में कवर नहीं कर पाए थे. पहला चीज तो ये है कि जो ये समुद्र में अभियान करने वाले थे, द सी फेयरर्स इंग्लिश में, दे वर पॉपुलरली कॉल्ड एज सदावास. 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 ओके. इन उड़िया लैंग्वेज दे वर कॉल्ड सदावास. ओके. एंड देयर ब्रेवरी, देयर यू नो पीरियोडिक करेजियस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर रेजिलियंस, देयर सैक्रीफाइसेस, यू नो, हैज बीन applauded in the Sanskrit literature by the term Kalinga Sahasika. Okay. Sahas se Sahasika. Kalinga Sahasika. इसके अलावा जो कलिंगा सी है, बे ऑफ बंगाल को हम कलिंगा सी जानते थे. हाँ हाँ. और इसकी जिक्र हमें कालिदास, महाकवि कालिदास भी देते हैं, बौद्धिस्ट टेक्स्ट भी देते हैं, और हमारे राजा भोज का जो टेक्स्ट है वो भी देते हैं. तो कलिंगा सी में जितने भी द्वीप थे इनको बोलते थे कलिंगा रेसु. कलिंगा रेसु. कलिंगा रेसु. तो ये तीन चार चीज. और कलिंगे, कलिंग का जो राजा होते थे, गजपति महाराज होते थे, इनको गजपति के अलावा कलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति भी बोला जाता था. और इससे भी ज्यादा जो मतलब देखने वाली चीज ये है, इनको महादोधिपति भी बोला जाता था. महादोधिपति. क्योंकि महादोधि मतलब हमारे हिंदू शास्त्रों के मुताबिक, पुराने स्क्रिप्चर्स के मुताबिक, उड़ीसा में या ओडर देश में, कलिंग में महादोधि है और महानदी है. ये दोनों सबसे अहम चीज है. नदियों में महानदी, समुद्र में महादोधि. महादोधि मीन्स दी ओशन. ओशन. ठीक है. समुद्र. समुद्र. महादोधि. तो आज भी पूरी जगन्नाथ टेम्पल में जो शाम का आरती होता है, समुद्र आरती होता है, उसको आज भी महादोधि आरती से बुलाया जाता है. दूसरी बात, इनके पास, हम बाली यात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये दे दूं. बाली यात्रा जो शुरू होता था, कटक का एक पोर्ट है उस टाइम हुआ करता था, गदाघाटी पोर्ट. गदाघाटी पोर्ट से शुरू होता था. नॉर्मली ये शुरू होता था कार्तिक पूर्णिमा के दिन में, तो इसीलिए आज भी वहाँ बैत वंदना उत्सव या बाली यात्रा उत्सव, बैत दंड उत्सव जिसको बोले जाते हैं, वो चलता है आज भी. मान्यता है, लोग पालन करते हैं, चाहे वो उड़िया उड़िया जनसंख्या कहीं भी हो, वो मानते हैं, करते हैं उसको. और ये जो शुरू होता है, मतलब ये जो यात्रा होती थी, ये होता था 180 दिनों का. 180 दिन. हाँ, 180 दिनों का होता था, जिसमें आपका कार्तिक पूर्णिमा का दिन शुरू होता था और द एंटायर सेलिंग पीरियड जो है वो समुन्द्र में इनको 120 दिन का होता था. चार महीने. और 60 दिन जो होता था रेस्ट और ट्रेडिंग के लिए होता था. तो चार महीने में ये लोग क्या करते थे, जब वो निकलते थे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को यूज करते थे. ठीक है.
और जो वापस आते थे तो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को यूज करके वापस आते थे। तो ये डीप ओशन में सेल करते थे, नॉट ओशन, नॉट हगिंग द कोस्ट। नो, ये होता था वैसे ही, हगिंग द कोस्ट होता था। तो इनका राउट क्या होता था, ये जाते थे कोरोमंडल कोस्ट पकड़ के, ये लोग सिलोन में आते थे, सिलोन में, ठीक है, सिलोन से ये लोग जाते थे जावा, मतलब यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से ऐसे साउथ ईस्ट एशिया। सिलोन से जावा काफी लंबा विदाउट कोस्टल वॉयेज है, इसमें आते थे। क्योंकि इसमें जो देखने वाली चीज ये है अभिजीत जी की, इनके जो सीफेयरर्स होते थे इनको दो चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज हुआ करता था, एक है ओपन सी नेविगेशन का और दूसरा था कोस्टल नेविगेशन का। कोस्टल नेविगेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी था ताकि वो कहाँ कहाँ कोस्ट पे, कोस्ट लाइन पे कहाँ कहाँ बंदर है, कोस्ट लाइन का बिहेवियर क्या है, टोपोग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, उसके हिसाब से जहाज को चलाते रहना। और ओपन सी में इसलिए ताकि मोस्टली साइक्लोनिक एक्टिविटीज से संभलने के लिए। तो मैं पिछले एपिसोड में बोला था कि साइक्लोन आने का बारे में भी इनको दो तीन दिन पहले से ये लोग को मालूम हो जाता था, क्योंकि जेलीफिश पकड़ा जाना, टॉर्टोइस मतलब कछुआ वगैरह, मछली वगैरह बहुत तादाद में पानी के ऊपर तैरना, टू दैट एक्सटेंट इनको पानी का जो कलर होता है वो देख के भी पानी का गहराई का नॉलेज हुआ करता था। पानी का करंट का स्पीड जो होता है, वेव का स्पीड या करंट का स्पीड जो होता था, उसमें वो बालू डाल के वो लोग उसको चेक करके उसको कर सकते थे, उतना नॉलेज था इनके पास और वो पुरखों से आता हुआ। तो कोस्टल नेविगेशन और ओपन सी नेविगेशन, ये ओपन सी में नेविगेट कैसे करते थे? ओपन सी में नेविगेशन के दौरान आपको तीन चार चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। एक है कितने तरीके का विंड है, ठीक है, सो दे न्यू 8 टाइप ऑफ विंड्स। अच्छा, दूसरा था कितने तरीके का वेव्स है, वेव्स है समुद्र के लहरें। तो मान लीजिए कोई लहर आके उनको, वो अगर देखते थे कोस्टल एरिया में, जब जा रहे कोस्टल एरिया में देख रहे कि कोई वेव्स कोस्ट से पहले आके टूट रहा है, पहले ही आके टूट रहा है और बहुत तादाद में टूट रहा है, कोई भी समुद्र किनारे तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो इनको ये पता चल जाता था कि साइक्लोन आने वाला है। अच्छा, ये भी एक नेविगेशन का टेक्निक हुआ करता था उस टाइम। दूसरा ओपन सी में जो मैंने बोला, इनका जो ये होता है विंड स्पीड को यूज करते थे, ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ्स यूज्ड टू बी यू नो यूज्ड एज देयर सेल सेलिंग दिस थिंग, तो उसका स्पीड से ये लोग जाते थे। और दूसरा था कितने तरीके का करंट होता है, एक है विंड हो गया, वेव्स हो गया, करंट हो गया, और टाइड्स, टाइड का भी अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था। तो 8 तरीके का विंड, 4 तरीके का करंट, इनको इनके बारे में अच्छा नॉलेज हुआ करता था, जिसके तहत वो लोग यूज करते थे। अच्छा, और ये जो नॉलेज है अभिजीत जी, ये इनको पुरखों से पुश्तैनी इससे मिलता था, ट्रेनिंग मिलता था, बाप अपना बेटे को देता है, बेटा अपना बेटे को देता है, ऐसे। अच्छा, और इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन अभी तक उस जमाने का नहीं मिला है। इतना बहुत हमारा स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा से इन्होंने रिकवर किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी थोड़ा बहुत रिकवर किया है लोगों से पूछ पूछ के, बट दिस इतना जितना भी रिकवर हो पाया है, इसमें कहां से मिला ये इंफॉर्मेशन? ये इंफॉर्मेशन मिला है आज के डेट में साउथ उड़ीसा। उड़ीसा को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं फ्रॉम अ मैरिटाइम पर्सपेक्टिव, एक है साउथ उड़ीसा का पोर्ट्स, एक है नॉर्थ उड़ीसा का पोर्ट्स। जो साउथ उड़ीसा का पोर्ट्स है उसमें आता है पुरी, गोपालपुर, सुंदरी, सम प्लेसेस लाइक दिस। तो उसमें आपका गंजाम डिस्ट्रिक्ट, कोरोमंडल कोस्ट, तो उसमें जो इनका जो हम जिक्र कर रहे थे स्विंग बोट्स का या स्टिचिंग बोट्स का, जो संजीव सन्याल जी बोलते हैं, तो बेसिकली इट इज स्टिचिंग इज अ मोर मॉडर्न नेम, एक्चुअल इनको स्विंग होता था, स्विंग बोट्स बोलते हैं इसको। तो स्विंग बोट्स को ये आज भी कोस्टल एरियाज में मिलता है मछली पकड़ने के लिए और यात्रियों का आवागमन करने के लिए। तो इनके बारे ये सब जो बोट्स है, ये अभी भी आपका छापा बोट्स बोलते हैं, कोई इनको नौका बोलते हैं, कोई इनको पधुआ बोलते हैं, ऐसे लोकल टर्म्स यूज होता है। अच्छा, नौका इज अ वेरी वेल नोन टर्म विच इज ऑल्सो यूज इन बंगाल फॉर दैट मैटर। अच्छा, और ये जो छापा बोट है इसका बड़ा अच्छा रिलेशन है जगन्नाथ मंदिर के साथ। अच्छा, क्योंकि जो छापा बोट है उसका एक स्कल्पचर भी मिलता है जगन्नाथ मंदिर का भोग मंडप में, जहां पे दिखाया जा रहा है एक नौके के बीच में एक केबिन जैसा बना हुआ है, जिसको मैरिटाइम लैंग्वेज में मध्य मंडप बोला जाता है। अच्छा, मंडप के ऊपर में राजा और रानी बैठे हुए है,
नीचे सखिया है या उनका अटेंडेंट्स है। एक दिशाकाक के बारे में मैं बता रहा था, दिशाकाक बैठा हुआ है। सो यू कैन से दैट इट वॉज लाइक यूज्ड एज अ बजरा फॉर द किंग, फॉर द लेजर ऑफ द किंग। बट ये छापा बोट से नागा के लिए बोल के आज भी एक ट्रेडिशन है जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु बाहर निकलते हैं और सैर करने जाते हैं नरेंद्र सरोवर में। तो नरेंद्र सरोवर में जो हमारा चंदन यात्रा होता है, आज भी होता है चंदन यात्रा वैशाख के महीने में। चंदन यात्रा के दौरान महाप्रभु मंदिर से निकलते हैं और नरेंद्र सरोवर में जाते हैं नहाने के लिए, मतलब सैर करने के लिए अपने भाई और बहन के साथ। तो उसको बोलते हैं चंदन यात्रा या चंदन उत्सव। तो उसमें जो बोट्स आज भी यूज होता है नरेंद्र सरोवर में, वो है छापा बोट्स। अच्छा। और छापा बोट्स का स्पेशलिटी ये है कि उसका जो हल है इट इज लाइक द इंग्लिश लेटर यू, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा। और जो जगन्नाथ मंदिर के मादला पाजी है, मादला पाजी में इसके बारे में अच्छे से जिक्र है, क्योंकि इसका जगन्नाथ महाप्रभु का जो एग्जाइल है, द फ्लाइट ऑफ द एग्जाइल ऑफ श्री जगन्नाथ, एक्सोडस ऑफ श्री जगन्नाथ, जो उनको मैं बोल रहा था चिल्का का काफी सारा डिपो में उनको छिपाया जाता था अपार्ट फ्रॉम सम अदर डिस्ट्रिक्ट। तो ज्यादातर दिन, ज्यादातर बार जब उनको चिल्का में ले गया है छुपाने के लिए, इनको ये छापा बोट से ही ले गया है। बिकॉज छापा बोट का जो फॉर्मेशन है हल्का, ये क्योंकि यू है और इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वेट बेयरिंग कैपेसिटी, तो महाप्रभु को बीच में तीनों विग्रहों को, चतुर्थ मूर्ति बोलते हैं उसको, चतुर्थ मूर्ति बलराम सुभद्रा श्री जगन्नाथ एंड अपना सुदर्शन, चतुर्थ मूर्ति को ऐसे बिठाया जाता था और फिर उनको लिया जाता था। सो द हल वाज इज सच दैट हिज एकोमोडेशन इन द बोट एंड हिज फिटमेंट इनटू द बोट, कीपिंग हिज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन माइंड, बहुत अच्छा फिट होता था। तो अच्छा। इसलिए वो छापा बोट यूज होता था। अच्छा। वो हल के नीचे बिठा दिया जाता था। अच्छा। सो दैट इट डजंट कैच द आई ऑफ द इस्लामिक फोर्सेस फॉर दैट मैटर। अच्छा। तो इसका एक बहुत खूबसूरत हिस्ट्री से भी रिलेशन है। दूसरी बात जो है हम कवर नहीं कर पाए थे पिछले एपिसोड में, एक है जो मैंने बोला साउथ और नॉर्थ पोर्शन। जब मुगल्स आते हैं, हाँ, या बंगाल सुल्तनत आता है, बंगाल सल्तनत आने के बाद या दिल्ली सल्तनत आने के बाद, 13th, 12th, 13th century से जो साउथ के पोर्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े डिक्लाइन होना चालू करते हैं, उनका जो वर्चस्व है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना चालू होता है, नॉर्थ के पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता है। ओके। बिकॉज नॉर्थ का पोर्ट हेडक्वार्टर से नजदीक में थे, बंगाल से नजदीक में थे, तो नॉर्थ का पोर्ट को बढ़ावा मिलता है। अच्छा। और फिर यही चीज आगे जाके जब यूरोपियंस आते हैं वहां भी हम देखते हैं, लेकिन फर्क इतना है यूरोपियंस में जो मैं बोल रहा था पिपली पूरी कोनार के सब साइड जो है इनके जो पोर्ट्स है उसमें पोर्तुगीज बहुत हुआ करते थे। पोर्तुगीज व्यवसायी जो है जो उसको स्लेव ट्रेड के लिए यूज करते थे। मैं इसके स्लेव ट्रेड के डिटेल्स में भी आऊंगा अभी, कैसे स्लेव ट्रेड यूरोपियंस करते थे, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, खास करके पोर्तुगीज। तो ये धीरे धीरे साउथ के पोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा वर्चस्व उनका कम होता गया, नॉर्थ का पोर्ट्स का वर्चस्व बढ़ता गया। और जब यूरोपियंस आए, पहले आए पुर्तगीज जो सन 1599 में आए और उन्होंने पीपली को डेवलप करना स्टार्ट किया। अच्छा। लेकिन उन्होंने उधर काफी बवंडर मचा दिया। 1599 में पुर्तगीज आए, 1625 में आए डच, 1633 में आए अंग्रेज, ठीक है, लेकिन अंग्रेज चले गए थोड़ा सा बाहर बालासोर की तरफ, ठीक है, क्योंकि डच और पुर्तगीज बीच में लड़ते रहे, फिर डच भी थोड़ा सा पीछे आ गए, वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो उसमें 1822 से 1900 साल के बीच में 1900 के उसमें काफी सारा सुपर साइक्लोन्स उड़ीसा को हिट करता है। ये डेटा अभी भी IMD का आर्काइव्स में रखा हुआ है एंड दिस हैज बीन फर्दर वेटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा, ओशनोग्राफी गोवा। तो इसमें अब आते हम स्लेव ट्रेड में। स्लेव ट्रेड में कहां से आते हैं हमें समझना पड़ेगा एक चीज, तो उस टाइम उड़ीसा का जो इतना फ्लरिशिंग ट्रेड हुआ करता था मैरिटाइम ट्रेड, जो लोग कई बार कई दफा मिस कर जाते हैं वो है इतना अच्छा मैरिटाइम ट्रेड, इतना फ्लरिशिंग मैरिटाइम ट्रेड जब तक आपके पास एक इंपीरियल नेवी सपोर्ट ना हो तब तक ये पॉसिबल नहीं सेफ्टी के लिए। यस जी। अगर आप सुमेरियन पोर्ट्स
मेसोपोटेमियन पोर्ट्स, मेक्सिको पेरू पोर्ट्स या साउथ ईस्ट एशिया सिलोन कवर कर रहे हो, आपके साथ एक नेवी एंटोरेज होगा ही होगा। जी बिल्कुल। तो इंपीरियल कलिंगन नेवी हैज ऑलवेज बीन ओवरलुक्ड व्हाइल द चोलास हैज बीन नाउ वाइडली डिस्कस्ड और द मराठा नेवी हैज बीन डिस्कस्ड, वी डू नॉट डिस्कस ऑन द कलिंगन नेवी। अच्छा। कलिंगन नेवी वाज सो बिग एंड इट्स शिप्स वर सो बिग दैट इवन द पोर्टुगीज यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ देम। अच्छा। एंड दैट इज व्हाई यू नो दे हैड टू थिंक ट्वाइस और इवन द पायरेट्स हैड टू थिंक ट्वाइस बिफोर अटैकिंग। अच्छा। नाउ जो उड़ीसा का या कलिंग का सी ट्रेड में जो घटावती घाट लॉसेस हुआ या जो बच्चे उसको कम होता गया, उसमें एक बहुत बड़ी वजह था समुद्री तस्करों का। अच्छा। पायरेट्स ऑफ द सी, पायरेट्स ऑफ द सी एक था पुर्तुगीज, पुर्तुगीज खुद स्वयं पायरेट्स थे जबरदस्त, लेकिन इनका भी 2 डिग्री ऊपर था अराकनीज और मांग जिनका डिसेंडेंट्स आज के रोहिंग्यास हैं, आज के रोहिंग्यास के पूर्वज, पूर्वज। और इसीलिए देयर फैटल किलिंग मशीन्स, देयर ऑल किलिंग मशीन्स, रूथलेस पीपल। एंड ये अराकनीज और मग इतना खूंखार और खतरनाक होते थे कि पुर्तुगीज भी इनसे डरते थे। तो अराकनीज और मग अलग है या सेम है? एक ही है बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही है, इनका थोड़ा सा डीएनए फर्क है बट मोस्टली एक ही है। तो आज का अराकान रीजन से एसेंशियली बर्मा में बेसिकली द हिली रेंज ऑफ दिस थिंग। ठीक है ठीक है। तो और ये लोग क्या करते थे, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा हुआ कि जो ये पुर्तुगीज और ये सब मिल गए अपना बंटवारा करने के लिए जो लूट का माल है, और जितने भी अपना मैरिटाइम ट्रेड के जहाज होते थे इनको लूटने के बाद इनके जो सेलर्स, सेलर्स का फैमिलीज, इनको ये लोग अपना जो हल होता था उसमें बंदी बना के रख देते थे, लाइक पुटिंग इन अ कंटेनर, जैसा हिटलर ने जूस को डाल देते थे वो ट्रेन्स के अंदर कंसंट्रेशन कैंप्स में, जिस तरीके से रखा जाता था वैसे इनका हल में रखा दिया, लग दिया जाता था। अच्छा। और इनका हाथों में, इमेजिन द इनह्यूमैनिटी, दोनों हाथों में छेद कर दिया जाता था यहाँ पे, यहाँ पे। किस लिए? टू दैट वाज अ मार्किंग ऑफ अ स्लेव। अच्छा ओके ठीक है, ये सब चीजें उठ के बाहर आना चाहिए। एब्सोल्यूट बारबेरियंस, बारबेरियंस, बारबेरिक एक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे छेद कर देते थे और दैट वाज यूज्ड टू बी द मार्क ऑफ अ स्लेव, और इनको लाया जाता था पिपली पोर्ट। अच्छा। पिपली आज भुवनेश्वर और पुरी के बीच में आता है, इट इज ऑल्सो एन हैंडीक्राफ्ट विलेज यू कैन से, बिग हैंडीक्राफ्ट सेंटर, बट दिस यूज टू बी अ नोटोरियस स्लेव मार्केट, नोटोरियस स्लेव मार्केट, प्रोबेबली द बिगेस्ट स्लेव मार्केट इन द एंटायर कोस्टल एंड पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया ऑफ दैट टाइम। तो इस स्लेव मार्केट को ऑपरेट करते थे पोर्चुगीज, पोर्तुगीज ऑपरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ मग एंड अराकनीज, और इन स्लेव्स को सेल करते थे द मुगल्स, नॉट द मुगल्स, दिस मुगल्स वर नॉट सो मच इन्वॉल्व, दे यूज्ड टू गेट एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज, एक्सपोर्ट, इंडियंस को बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, दे यूज्ड टू गेट एक्सपोर्टेड। ओके। व्हाइल वी आर टॉकिंग ऑफ हिंदूज being taken away as slaves by Muhammad Ghori, Ghaznavis, or any Islamic invader or Duranis, but we don't talk of what the Portuguese has done. Achha, 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 achha. Portuguese sirf Goa mein bawandar nahi machaya, kehre nahi apna kiya. East Coast mein bhi, Kalinga mein bhi, Orissa. Bahut zyada kiya. Pipli se. बहुत ज्यादा किया है जो हम डिस्कस ही नहीं करते। तो क्यों नहीं डिस्कस होता है सर? नैरेटिव से बाहर है सर। आप सोचिए इंपीरियल गंगास जिन्होंने आपको श्री जगन्नाथ मंदिर दिया, कोणार्क सन टेम्पल दिया और भी न जाने कितने मंदिर दिए जी, वो फैमिली को आपने सिस्टमैटिक विलफुल ऑमिशन के तहत आपने अपने किताबों से निकाल दिए, उनका नाम ही नहीं आता। अब कोणार्क सन टेम्पल एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस हो जाता है, लेकिन किसने बनाया? श्री जगन्नाथ टेम्पल एज अ यू नो अनदर धाम डिस्कस हो जाता है, उसका कलिंगन आर्किटेक्चर डिस्कस हो जाता है, लेकिन द पीपल हु गेव इट टू द नेशन दे आर नॉट डिस्कस्ड। बिल्कुल इरेज हो गया है। लंगूला नरसिम्हा देवा इज नॉट डिस्कस्ड, अनंग भीमदेव इज नॉट डिस्कस्ड, कपिलेंद्र देव राउत्रे इज नॉट डिस्कस्ड, कपिलेंद्र देव राउत्रे इज द मॉडर्न डे समुद्रगुप्त। अच्छा, जरा बताइए उनके बारे में। कपिलेंद्र देव राउत्रे वॉज द फाउंडर ऑफ द सूर्यवंशी गजपति डायनेस्टी। ठीक है।
एंड ही यूज टू बी सो पावरफुल, ही यूज टू बी सो पावरफुल दैट ही वेंट राइट अप टू साउथ, साउथ इन द से डीप इन साइड कर्नाटका, एंड इवन ही कैप्चर्ड टिल द ताम्रलिप्त बंदर एंड ऑल्सो वेंट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन बंगाल. Tamralipta, Bengal. Bengal. Because Tamralipta was also under the imperial Gangas or even under the Gajapati dynasties for quite some time. Achha. Many of the Uriya historians also today say when they discuss the maritime history of Orissa, they also count the Tamralipta Bandar. Although Tamralipta ka zikr jo hai, wo Hewensang ne bhi diya hai, Fayyan ne bhi diya hai. But Tamralipta used to be a big termination point of the Uttarapath. ठीक है. जो मैंने बोला Tamralipta से Taxila जाता है. So आज भी कर्नाटक में काफी सारे मंदिर है जो इंपीरियल गंगाज ने बनाए थे, या आंध्रा में है, तेलंगाना में भी है, जिनका द्वार आज भी खोलते हैं जब सुबह तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद गा के खोला जाता है. अच्छा. आज भी 600 700 800 साल बाद भी कि जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद से खोला जाता है पर के. लेकिन ये चीज हम सिस्टमैटिक ओमिशन किए हैं, विलफुल ओमिशन, आई वुड से नॉट सिस्टमैटिक बट विलफुल ओमिशन. तो देयर आर सच ग्रेट रूलर्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग देम इन कलिंगा. एंड दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट वरी दैट आज जो नेशनल एडुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीआरटी का बुक्स रिवाइज होगा, जो कमेटी बना हुआ है सिलेबस को रिविजन करने के लिए, वो कितना हालांकि असली में कितना डाल रहे है उसमें, कितना पोर्शन डाल रहे, मुझे डाउट है. And I have been speaking on this in almost every forum where I am going. Because these are things which must and must come out now. People must know about Gajapati Kapilendra Rautre. They must know about Langula Narasimhadeva. He was no less, Langula Narasimhadeva was no less than Pulakesi II or Nagavatta. So, ye Raja kab ke the? 12th century, 13th century. Achha, theek hai, And the way Nagavatta and Pulakesi II's confederacy beat back Mahamad Ghori, Langula Narasimhadeva single-handedly beaten back the Bengal Sultanate. Achha. इतना धोया बंगाल सल्टनेट को दैट इन दैट कमेमोरेशन ऑफ दिस विक्ट्री हिज मदर आस्क्ड हिम टू बिल्ड द कोणार्क सन टेंपल. कोणार्क सन टेंपल व्हिच विल बी इवन ग्रैंडर देन द श्री जगन्नाथ टेंपल. एंड दीस पीसेस ऑफ हिस्ट्री मस्ट कम आउट. बिल्कुल यस, इट मस्ट कम आउट. People have to know about all these things. Absolutely. We are discussing the Portuguese and the Goa Inquisition about the same Portuguese people, but what the Portuguese atrocities what they made, which is no less than Goa in the eastern coast. No one knows. Nobody speaks about it today. And I happened to stumble upon it in one of the NIO documents. Achha. And so much so, unhone itna kahar machaya उस स्लेव ट्रेड के तहत पीपली में, दैट मुगल एम्परर शाहजहां को उनको भगाना पड़ा वहां से, फोर्स भेज के. अच्छा. बंद करवाना पड़ा दुकान उनका. और यही शाहजहां बाद में चिल्का के यहां पे डच को एक सॉल्ट फैक्ट्री बनाने का फरमान देते हैं. अच्छा. अनुमति अनुमति देते हैं. अच्छा. बनाते हैं, डच ऑपरेट्स अ सॉल्ट फैक्ट्री इन चिल्का. ठीक है. अब चिल्का का जो डेफिनेशन है वो नेचुरल हार्बर था, जो मैं पिछले एपिसोड में बोला था, और उसका जो विवरण है वो ह्यूवेनसांग भी दे रहे हैं, फायन भी दे रहे हैं जी. और वी ह्यूवेनसांग जो है उसमें एक टर्म यूज करते हैं चेली पटाओ, और चेली पटाओ स्कॉलर्स के बीच में, हिस्टोरियंस के बीच में सहमति नहीं है. कोई बोलता है मणिकपटना है, कोई बोलता है खलकपटना है, कोई बोलता है चिल्का ही है, यही है. पर इस सारे विवरण जो है उसको आप देखेंगे या इनके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलिए या एनआईओ बोलिए, हमारे देश में मरीन आर्कियोलॉजी या मैरिटाइम आर्कियोलॉजी का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है प्रोफेसर एस आर राव के बाद. नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं. एक पैसे का काम नहीं हुआ. एंड ये जो चीज है मरीन आर्कियोलॉजी और मैरिटाइम आर्कियोलॉजी के तहत आता है. जो कलिंगन ट्रेड है इसको अगर आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो मरीन आर्कियोलॉजी हैज टू कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट्स समुद्र के नीचे डूबे हुए हैं, समुद्र के नीचे भी डूबे हुए हैं और कोस्ट लाइन में भी. तकरीबन आपका 600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा, ठीक है, टिल द माउथ ऑफ गोदावरी.
मैं ये स्पेसिफिक 600 किलोमीटर कोस्टलाइन की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ा कोस्टलाइन है, ठीक है, 600 किलोमीटर कोस्टलाइन फ्रॉम द माउथ ऑफ गंगा टू द एस्टुअरी ऑफ गोदावरी। इसमें आज भी डॉक्यूमेंटेड है 136 शिपरेक्स। यस, आज भी डॉक्यूमेंटेड है। हमारा जो इंटेक का ओडिशा का टीम है, उनके पास ये डेटा है। दे हैव रिकवर्ड द मैप्स, दे हैव रिकवर्ड द कंपास पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके लोकेशंस मिला हुआ, स्पॉट्स मिला हुआ है जहां पे ब्रिटिशर्स ने देखे गए है वो डाटा। हमने कुछ नया आविष्कार नहीं किया है, उस समय के का डेटा है ये, ब्रिटिश टाइम्स का। उसके बाद हमने कुछ किया नहीं है। समुद्र तो पीछे नहीं गया, समुद्र तो वहीं पर बैठा है समुद्र। हाँ, तो आपको सिर्फ एक एक्सपेडिशन करना है, आर्कियोलॉजिकल और मैरिटाइम एक्सपेडिशन करना है। वहां पे आप प्राइवेट पार्टी को क्यों नहीं देते हो, बाहर के लोग में। मेरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी काफी रिसर्च है, मैं काफी ग्रुप्स में हूँ वहां पे। तो वहां पे वो लोग सर जर्मन यूबोट्स को निकाल रहे, यूबोट्स को, बिल्कुल बिल्कुल जर्मन यूबोट्स को निकाल रहे। कहां पे डच सरकार इन्वॉल्व है या कहीं पे फ्रेंच सरकार? नहीं, प्राइवेट पार्टी, सारे प्राइवेट पार्टी को ठेका दे रखा है। तो यहाँ क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे क्यों नहीं देते, कौन रोक रहा है? तो ये जो शिपरेक्स है ये किस टाइम पीरियड के हैं? ये मोस्टली यूरोपियन टाइम फ्रेम के, 17th सेंचुरी। अच्छा अच्छा, बिकॉज जो डेटा मैंने बोला 1822 से 1900 जो है उसमें कई सारे सुपर साइक्लोन्स है, तो उसमें कई सारे पोर्ट्स आपका डूब गए और कई सारे जहाज भी डूब गए जो कोस्ट लाइन पे एंकर्ड हो रखे थे। और इनका और एक अच्छा विवरण या डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं व्हेन यू लुक एट द टाइप ऑफ एंकर्स, ठीक है। जब यूरोपियंस आए तब आयरन एंकर्स आ गया, जो नॉर्मल ऐसे होता है, हाँ, वो टाइप का, दिस टाइप का जो आयरन एंकर्स है, आयरन एंकर्स, कॉपर एंकर्स, नो वेरियस कैटेगरी ऑफ एंकर्स द प्रोटीन। और जो उससे पहले जमाने का है वो पत्थर के बड़े बड़े एंकर्स, पत्थर के एंकर्स, और पत्थर के जो द्वारका का एक्सकेवेशन प्रोफेसर राव ने किया था, वहां पे काफी सारे बड़े बड़े पत्थर के एंकर्स निकले हैं जो 4,000 साल 5,000 साल पुराने हैं, जी जी, विच इजिली कोरोबोरेट्स विद द महाभारत पीरियड ऑफ 3100 BCE। ओके, एंड कुछ उनमें से कुरुक्षेत्र का म्यूजियम में रखा हुआ है। अच्छा, मैंने खुद देख के आया हूं मैं। एंड आपके बाकी जो उसके बाद के जमाने के है, but before the iron anchors, it's a little smaller ones but very heavy. And the beauty is sir, today if you go along the 600 kilometers coastline, even today, you don't need to go inside the sea or wait for the low tide. Achha. At the shoreline, on the shoreline, you will get hundreds of surface finds. Achha. The surface find, you don't even need to archaeologically excavate those sites. It is sitting there. It is there, the surface finds. You have potteries coming out, you have jetties coming out. So it's being sent back by the ocean, dheere dheere. No sir, wo jameen mein gara hua hai. Gara hua hai. Jameen mein gara hua hai. Achha, achha. Just kitna, 2 feet, 1 feet ka jo tuta hua hai aapka jameen, coastline ke barabar, usmein se wo dikh raha hai nikal ke. Dikh raha hua, it is visible. Haan, lighthouses are there. 200 saal, 250 saal, 300 saal purane lighthouses are there, 20 feet, 30 feet high. उनमें जो दिया जला जाते थे वो भी अवेलेबल है। अच्छा, कोस्ट लाइन में तो कुछ नहीं कर रहे आर्कियोलॉजिस्ट्स, देयर इज नो वर्क ऑन दैट। दूसरी बात, आई मीन उसके बाद इसके अलावा भी जो देखने को मिलता है इज आपका एक बुद्धिस्ट साइट्स भी मिलेगा उसके आसपास आपको, क्योंकि एक दंतपुरा साइट्स का मैं जिक्र करता, दंतपुरा पोर्ट, वहां से बुद्धा का टूट रेलिक सिलोन में गया था, दंतपुरा, ठीक है। और हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि सम्राट अशोक का बेटा और बेटी संगमित्रा और महेंद्र ये लोग टूथ रेलिक्स या बुद्धा का रेलिक्स लेके सिलोन गए थे। बट ये जो दंतपुरा है, दंतपुरा पोर्ट में अगर हम डेटा देखे तो सन 543-40-520 BCE के तहत प्रिंसेस हेमलता, प्रिंसेस दंतपुर टूथ रेलिक कैस्केट में ले जाके लेके जा रहे हैं सिलोन में। अच्छा, तो महेंद्र और ये तो उसका 250 साल बाद आए, तो ये कैसे हो गया क्रोनोलॉजिकली? अनुराधापुर का जिक्र किया था हमने, अनुराधापुर में 5th century BCE का मटेरियल मिल रहा है, पॉटरी आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है सिलोन में, तो वो भी 250-300 साल पहले से है। थोड़ा क्रोनोलॉजिकली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है ना। दूसरी, तीसरा पॉइंट, ललितागिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, रत्नगिरी, इनमें
पर्टिकुलरली ललितगिरी और रत्नगिरी में रेलिक कैस्केट्स मिला है। बुद्धा का जो रेलिक होता है उसका एक कैस्केट में रखते हैं लोग, उसको शरीर कहते हैं। क्यों शरीर? कैस्केट के जो फॉर्मेशन है वो बड़ा ही अनोखा है। अच्छा, चार लेयर होता है उसमें, एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर और एक छोटा डब्बा, उसके और छोटा डब्बा, सबसे छोटा डब्बा जिसमें वो रेलिक रखा जाता है। अच्छा, तो क्योंकि श्री जगन्नाथ टेम्पल का साइट बुद्धिस्ट के इसमें था, कब्जे में था, तो आज भी बुद्धिस्ट श्री जगन्नाथ को बुद्धा का अवतार मानते हैं। अच्छा, हाँ, तो वैसे तो विष्णु का ही अवतार है, है तो विष्णु का अवतार, लेकिन जो ब्रह्म पदार्थ है श्री जगन्नाथ का या ब्रह्म वस्तु है उसको बुद्धिस्ट लोग मानते हैं बुद्धा का टूथ रेलिक है बोल के। ये ब्रह्म वस्तु क्या होता है? ब्रह्म वस्तु जो है या ब्रह्म पदार्थ जो है, अब देखिए इसके ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है। अच्छा, बहुत सारे गलत चीजें बताया गया है ब्रह्म वस्तु के बारे में। अच्छा, कोई बोलता है न्यूक्लियर रिएक्टर है, कोई बोलता है रेडियो एक्टिव है। अच्छा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बोलते है कृष्ण का हार्ट है, ऐसा नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा फॉर द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। जी, फर्स्ट वी विल हैव टू गो बाय स्क्रिप्चर। ठीक है, स्क्रिप्चर्स के तहत स्कंद पुराण उत्कल पर्व ले लीजिए, नीलाद्री महोदया ले लीजिए, मतलब पाजी ले लीजिए, या आपका हरिवंश लिख लीजिए, इसके मुताबिक ये है कृष्णा का नाभि। नाभि, और इसका साइंटिफिक लॉजिकल कंक्लूशन भी है। जब इंसान का शरीर दाह संस्कार किया जाता है, दाह किया जाता है, उसका नाभि नहीं जलता। अच्छा, नाभि पूरा पूरा नहीं जलता है। अच्छा, आपको जो अस्थियां दिया जाता है उसमें नाभि का भी एक छोटा सा पोर्शन होता है। अच्छा, हाँ, ओके। तो कृष्णा का नाभि नहीं जलता, वो फ्लोट करते करते ईस्टर्न कोस्ट में आ जाता है, जिसको एक सबर राज विश्ववासु है उठा के वो पूजा करते, चतुर्भुज रूप लेता है वो विष्णु के, नीलमाधव बोलते हैं उसको। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट पौराणिक इतिहास। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एज पर स्क्रिप्चर्स इट इज श्री कृष्णा नेवल। अच्छा, ठीक है। नाउ व्हेनेवर नव कलेवर जब होता है तब ब्रह्म वस्तु एक शरीर से दूसरा शरीर में परिवर्तन किया जाता है, डाला दिया जाता है। लेकिन ये जो रीति है ये बहुत ही गुप्त है। अच्छा, और जो लोग इसको करते हैं वो कौन सा कौन करता है मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं उनसे भी मिला हुआ हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट सपोज टू स्पीक। ऑफ कोर्स, वो लोग इसको इतना गुप्त करते हैं कि आप अगर उनको चाहे करोड़ों रुपया दे देंगे तो वो मुंह नहीं खोलेंगे। और उनमें से जो सबसे ज्यादा वृद्ध है वो उसको करते हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह कुछ ना कुछ पहन के, क्या पहनते वो भी नहीं मुझे मालूम, उनका आंखें बंद के वो करते हैं शरीर का, ब्रह्म वस्तु का परिवर्तन। तो अब वो कोई, कई लोग बोलते हैं कि उसको हाथ में लेने के बाद वो वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें झटका मार रहा है, ये सब पता नहीं क्या क्या है। तो जब जो जिन्होंने हैंडल किया है उसको, वो अगर आपको नहीं बोल रहे वो कैसा है, या रेडियो एक्टिव अगर वैसे ही होता या न्यूक्लियर रिएक्टर होता छोटा मोटा, या रेडियो एक्टिव इतना ही होता, तो इतने दर्शन करने जो जा रहे रोज हजारों तादाद में लोग जा रहे, तो सबको तो न्यूक्लियर रेडिएशन में कैंसर हो जाता है जी, इंक्लूडिंग मी। ऐसा तो हुआ नहीं कभी, क्लियरली दैट इज जोक। So the YouTubers who are spreading this false propaganda, I really have solid doubts on their intention. But boss, what are you going to do? What is your intention? Are you pushing people to Sanatan Dharma, or are you trying to push them away from Sanatan Dharma? Who has given you the authority to speak that it is a radioactive thing, or it is a nuclear reactor which vibrates? Have you seen it? Have you spoken to somebody? चाहे मंदिर का सेवायत से बात करो, कुछ तो ग्राउंड पे कनेक्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो ग्राउंड पे कनेक्ट करो।
सारा फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मत जाइए, बिल्कुल उसको अपना रिसर्च करिए साइट पे जाके। तो खैर, ये तो ब्रह्म वस्तु का बारे में बोल रहा था मैं जी, जी। और फर्स्ट एपिसोड में हमने यही बोला है कि जितनी भी 18 इन्वेजन्स हुआ है, ब्रह्म वस्तु हमेशा बच गया है, चाहे वो शंकर ने बचाया है, चाहे वो किसी विशेष मोहंती ने बचाया है, लेकिन ये बच गया है। ये प्रभु की कृपा है, लीला है, आप जैसे भी बोलिए इसको। अब आते हैं कि जो हमारे उड़ीसा का मैरिटाइम ट्रेड्स है, हम उसका नेवल लिंक्स के बारे में बात करते हैं। जी। जो नेवी था इनका, जो नौसेना था उनका, वो इतना जबरदस्त हुआ करता था, इनका शिप्स देख के बाहर वाले भी डरते थे और पूछते थे ये कहाँ का शिप्स है। हाँ। तो ये जो कलिंगा रेसू या कलिंगाधिपति या महादोधिपति, ये नाम कहाँ से आया? हाँ। क्या सिर्फ ये व्यवसाय करने से आया? नहीं, ये आया नेवी पावर से, कलिंगन नेवी पावर से। और नेवी पावर मतलब क्या है उस टाइम के जमाने में? द साइज एंड फेरोसिटी, यू नो, द स्ट्रेंथ ऑफ द शिप्स। तो क्या साइज होता था शिप्स का? साइज बहुत बड़ा होता था सर इसका, इन टर्म्स ऑफ फीट और वगैरह तो नहीं मिल पाया। कैपेसिटी, मैन पावर? हाँ, कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, द बिगेस्ट शिप्स वर केपेबल ऑफ कैरिंग 700 to 2000 पीपल। 2000 पीपल? यस। वेल आर्म्ड सोल्जर्स, आई वुड इमेजिन। यस, नॉट ओनली वेल आर्म्ड सोल्जर्स बट ट्रेडर्स भी। अच्छा। एंड मर्केंडाइज। अच्छा, ठीक है। एंड मर्केंडाइज लाइक हैवी मर्केंडाइज, उसमें हाथी भी जाता था। अच्छा, आप सोचिए इतने सारे हाथियों को, जो मतलब सोचने वाली बात है, इतने सारे हाथियों को, मैंने बोला फीडर वेसल से मदर वेसल्स लोड किया जाता था, जो आज हमारे कई सारे पोर्ट्स में होते हैं। हाँ। विच एवर पोर्ट इज नॉट कॉलिंग दी मदर वेसल्स, उस टाइम भी यही होता था। अच्छा। चाहे वो नौका हो, चाहे वो छापा हो, चाहे वो पदुआ हो, इनमें कैरी करके मदर वेसल में ले जाते थे। तो फीडर वेसल्स वेर आल्सो कैपेबल ऑफ कैरिंग एलिफेंट्स। यस। अच्छा, इतना स्ट्रेंथ हुआ करता था। अच्छा अच्छा। एंड दिस फीडर वेसल्स कुड बी अ स्टिच पोर्ट और अ नेल्ड पोर्ट। अच्छा। और इसलिए जो हमारे महाराज भोज है, जिन्होंने भोजेश्वर मंदिर बनाया धर में, महाराज भोज है गुर्जारा प्रतिहारा राजा, वो अपने किताब में इसकी बड़ा अच्छा विवरण देते हैं। एक विवरण वो देते हैं कि जो बोट्स है उसका दो कैटेगरी है, एक है विशेष, एक है सामान्य। विशेष जो है वो सी गोइंग वेसल्स है, जो ट्रेड के लिए, नेवी के लिए यूज हो रहा है, और जो सामान्य है वो फिशिंग और यात्री आवागमन के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने, महाराज भोज ने उसको बड़े अच्छे से कैटेगराइज कर दिया। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो विशेष बोट्स है, विशेष वेसल जो है, नौका, बोईता, जैसा भी आप बोलो उसको, इसको क्यों स्टिचिंग टेक्निक यूज किया जाता था, ये सीविंग टेक्निक यूज किया जाता, क्योंकि इसका, इनका कई बार इनके जहाज डूब जाते थे समुद्र में, मैग्नेटिक रॉक्स हुआ करता था, तो नेल्ड बोट जब जाता है वो खींच लेता है इसको पानी में। तब से उन्होंने वो स्विंग बोट्स पे आ गए, और वे स्विंग बोट्स का जो टेक्नोलॉजी वो 7th century BCE से चला आ रहा है। अच्छा। डॉक्यूमेंटेड है 3rd century, बट कुछ कुछ बुद्धिस्ट और हमारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है डिस्क्रिप्शन से, जो 7th century BCE से आ रहा है। अच्छा। और ये है टेक्नोलॉजी, और इनका जो स्टिचिंग पैटर्न हुआ करता था वो ऐसे होता था, मैं यहाँ दर्शकों के लिए दिखा रहा हूँ, zigzag, ऐसे 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 करके हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर यहां से उठ के ऐसे 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 इसको क्रिस क्रॉस किया और जोड़ दिया। अच्छा। ऐसे होता था इनका स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए ड्राई ग्रास यूज होता था कई बार, कई बार फाइबर्स यूज होते थे, जूट भी यूज होता था, जूट भी। अच्छा। इनका बंगाल साइड में जूट बहुत अच्छा होता है, गंगा किनारे। तो ऐसे करके करते थे, और मोमबत्ती, मतलब वैक्स वूल, इन सब में इनका फिलिंग होता था। अच्छा। वैक्स इज वाटर रेजिस्टेंट, तो वैक्स का यूज किया जाता था। अच्छा। जो हमारे पूर्वज थे, इन्होंने इस टेक्निक को इतने अच्छे से बनाए थे दैट इवन दी जो चीज पॉपुलराइज नहीं किया गया है, बोला नहीं गया है, और मैं खास करके यहाँ पे बोल रहा हूं कि इस टेक्निक को सुमेरियंस, इजिप्शियंस और मेसोपोटेमियंस भी यूज करते थे कॉपी करके। अच्छा। This technology had even traveled there.
एंड टू दैट एक्सटेंट द अरब्स आल्सो कॉपीड इट. अच्छा. टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली. हां हां हां, अपना ट्रेड वहां भी होता था. हाँ, क्योंकि अगर हम रोमन किताब्स जो मिले हैं या अरब किताब्स जो मिले हैं, अरबिक या पर्शियन टेक्स्ट्स जो मिला है जी, उसमें हाथी, कलिंग के हाथी, हाथी के दांत और संबलपुर के हीरे, मैं खास ये तीन चीजों का जिक्र कर रहा हूं, हाथी, हाथी के दांत और संबलपुर के हीरे, तीन लग्जरी आइटम, ये रोमन, मेसोपोटामियन, सुमेरियन एंड अरब्स, इनमें बहुत पॉपुलर हुआ करता था. एंड ऑल्सो इन द मोनार्की ऑफ द सुबर्णदीप, जितने भी राजा महाराजा थे सिलोन या मोनार्कियों में, बहुत पॉपुलर हुआ था. और इनका विवरण उन्हीं का टेक्स्ट से आ रहा है. अच्छा. कलिंग के हाथी, कलिंग के आइवरी प्रोडक्ट्स, कलिंग के हीरे, हीरे संबलपुर. सो ये है हमारी मैरिटाइम हिस्ट्री का इतिहास. इसमें और भी सारा पहलू है, छोटे छोटे बहुत पहलू है, बहुत सारे लिटरेरी एविडेंसेस है. जो प्रॉम के मंदिर है, शिखर बोलते, उनका शिखर हमारे भुवनेश्वर के जितने भी मंदिर है उनका शिखरों से मिलता है. कौन सा शिखर है? थाईलैंड में प्रॉम में. तो कलिंग भुवनेश्वर से के शिखर से मिलते हैं. हाँ, कलिंग थाईलैंड के जो लॉय फेस्टिवल है उसमें जो उसका जो विवरण हमें मिलता है, लॉय फेस्टिवल का विवरण बोईता बंदना उत्सव से कुछ डिफरेंट नहीं है. एक ही चीज है. क्योंकि वो लोग कलिंग के, आज भी वहां जो कलिंग के लोग है वो क्लिंग बोल के बोलते हैं उनको. बर्मा भी उनको क्लिंग बोलते हैं. और बर्मा में आज भी एक जगह है श्री क्षेत्र बोल के, और श्री क्षेत्र किसका नाम है? पूरी जगन्नाथपुरी का नाम है. अच्छा अच्छा. तो कलिंग के लोग वहां जाके बसे और उनके डिसेंडेंट्स आज भी वहां होंगे जो आज थाई और बर्मीज है. और कुछ ऐसे भी है जो सिलोन से आए यहाँ पे. सिलोन से आए क्योंकि मैरिजेस भी होता था. अच्छा, अच्छा. कलिंग के राजकुमारी का शादी सिलोनी राजकुमार से भी हुआ था. और ऐसे लोगों में भी होता था. तो आज भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे लोग है जिनका टाइटल रत्नायके या रत्ना राणा तुंगे या सिम्हानायके भी है. अच्छा, सिन्हलीज नेम्स. अच्छा, the connotations, the continuation is still there. अच्छा अच्छा. So all in all, from a cultural heritage perspective, there is a solid link literary, archaeologically, marine archaeology, oceanography, numismatics, epigraphic, सब तरीके से आपका लिंक बैठ रहा है. आप उसको कतई इनकार नहीं कर सकते. एंड दिस इज हाई टाइम दैट कलिंगस मैरिटाइम हिस्ट्री शुड बी पॉपुलराइज्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिलिट्री पावर्स, इन टर्म्स ऑफ इट्स रीच, इन टर्म्स ऑफ द मर्केंडाइज, इन टर्म्स ऑफ द शिपिंग टेक्नोलॉजीज एंड द शिपिंग यू नो प्रोसेसेस. एंड दिस इज फर्दर बैक्ड बाय द फैक्ट दैट कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में शिपिंग या ओशन ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता, कैसे किया जाना चाहिए, उसका प्रॉपर विवरण और प्रक्रियाकरण दिया दिए हुए है. अच्छा. उन्होंने दिया है प्रक्रियाकरण और विवरण. और इसलिए उन्होंने एक मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट किया है जो नवदक्षीय बोलते हैं, जिसको हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था जी. पूरा गिल्ड बनाने के लिए बोला है, शिपिंग गिल्ड जो होते हैं आज की डेट में. हाँ. पूरा शिपिंग गिल्ड का विवरण है वहां पे. तो ये है कलिंग का मैरिटाइम हिस्ट्री जो हम आज भी ढूंढ रहे हैं. और लेकिन जितना मैंने जैसे जिक्र किया था, सरफेस फाइंड्स बहुत है, हमें ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं है. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NIO, इन गोवा, इन सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि अगर भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मिलके ये आज भी अगर मैरिटाइम एक्सपेडिशन करते हैं, डिगिंग्स करते हैं, अंडर वाटर एक्सकेवेशन करते हैं, तो बहुत कुछ खजाना निकलेगा और हो सकता है हमारा इतिहास बदल जाए. बिल्कुल बिल्कुल. बाकी जो स्क्रिप्चर्स या बुलियंस या सोना हीरे जौहरत मिल सकता है वो तो अलग ही है. बिल्कुल. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. कलिंगा इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है और इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के इतिहास में जी. लेकिन कोई जानता नहीं इसके बारे में. सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इसके बारे में थोड़ा विवरण दिया और हम बातें करेंगे. बट थैंक यू वेरी मच फॉर. So that was the conversation. Hope you liked it. If you enjoyed this, please share this on WhatsApp and other media. Thank you very much, and I'll see you soon.